नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं, नया पिन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी एटीएम मशीन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से घर बैठे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड का पिन मोबाइल नंबर के माध्यम से बनाने के लिए बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई देता होगा, ये दोनों नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के टोल फ्री नंबर हैं। आप दोनों में से किसी भी नंबर को डायल कर सकते हैं। दोस्तों, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रजिस्टर्ड है, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर से आपको इस टोल फ्री नंबर को डायल करना है। चलिए हम एक नंबर को डायल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर टोल फ्री नंबर को डायल कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका स्वागत है। लेट अस फाइट कोविड टुगेदर। फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बैंक ऑनलाइन। विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। आपके बचत खाते में वर्तमान शेष राशि संख्या समाप्त होने के साथ 2860 है 52,724 रुपए 40 पैसे। फिर से सुनने के लिए 4 दबाएं। पिछले 5 लेनदेन के लिए 1 दबाएं, जारी रखने के लिए 2 दबाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 दबाना है। खोए हुए कार्ड संबंधित या किसी अनधिकारित लेनदेन के बारे में हमें सूचित करने के लिए 1 दबाइए। बैंकिंग सेवा और अन्य सूचना के लिए 2 दबाएं। उत्पाद सूचना के लिए 3 दबाएं। एनआरआई के लिए 4 दबाएं। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 दबाना है। कृपया अपने 14 अंकों का खाता दर्ज करें। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर टाइप कर लीजिए। चलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर हम डायल कर लेते हैं। पिन दर्ज करने के लिए 1 दबाएं। अपना एटीएम पिन दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। डेबिट कार्ड पिन जारी करने के लिए 3 दबाएं। डेबिट कार्ड स्थिति के लिए 4 दबाएं। जारी रखने के लिए 4 दबाएं। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 दबाना है। कृपया अपने डेबिट कार्ड के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। चलिए यहाँ पर एटीएम कार्ड का लास्ट 4 अक्षर आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। कृपया महीना, साल, महीना, वर्ष के प्रारूप में अपने डेबिट कार्ड के समाप्ति की तारीख दर्ज करें। यहाँ पर आप अपना एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर आपको इस तरीका से टाइप करना है। कृपया ओटीपी दर्ज करें। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप करना है। यहाँ देखिए ओटीपी आ गया है। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी टाइप कर लेते हैं। कृपया अपना नया डेबिट कार्ड पिन दर्ज करें। अब यहाँ पर जो भी आप एटीएम पिन रखना चाहते हैं, आप इस तरीका से 4 अक्षर का बना लेंगे। कृपया अपना नया डेबिट कार्ड पिन पुनः दर्ज करें। आपको फिर से टाइप कर लेना है जो एटीएम पिन आप रखना चाहते हैं। आपका डेबिट कार्ड पिन सफलतापूर्वक जनरेट किया गया है। चलिए दोस्तों, हम इसको कट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैसेज आ गया है, डियर कस्टमर, योर डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट थ्रू IVR इज सक्सेसफुल। यानी कि आपने जो भी एटीएम कार्ड का पिन बनाया है वह पिन बन चुका है, आप इसी पिन के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड का पिन बनाया है, इस पिन के माध्यम से आप किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, साथ ही POS मशीन के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।